देश में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के लिए तगलीबी जमात के लोगों को जिम्मेदार बताने के खिलाफ जमीयत उलेमा ए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। जमीयत का आरोप है कि मीडिया का एक वर्ग मार्च में हुए निजामुद्दीन मरकज के कार्यक्रम को लेकर नफरत फैला रहा है, इसलिए केंद्र को निर्देश दिए जाए कि वह मुस्लिमों को लेकर फैलाई जा रही फेक न्यूज पर रोक लगाए और इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाए। लेखनीय है कि दिल्ली पुलिस ने तगलीबी जमात के प्रमुख मौलाना मोहम्मद साद को कोरोना संकट के मद्देनजर आयोजन टालने को कहा था, लेकिन इसके बाद भी मरकज के कार्यक्रम में देश दुनिया के करीब 9000 लोग जुटे। इसके बाद हजारों लोग यहां से देश के अलग अलग हिस्सों में धार्मिक प्रचार के लिए निकल गए। तेलंगाना के तगलीबी जमात से जुड़े लोगों को कोरोना की मौत का खुलासा होने पर पुलिस ने मरकज के करीब 2300 लोगों को निकालकर क्वारंटाइन किया था। इसमें से कई लोग संक्रमण के कारण दम तोड़ चुके हैं। सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में कोरोना के 30% मामले तगलीबी जमात से जुड़े लोगों की वजह से बढ़े। अब तक मिले 4000 में से 1445 जमातियों के हैं। इसके संपर्क में आए 25000 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। हरियाणा के 5 गांव पूरी तरह सील कर दिए गए हैं। तो गाइस, इससे रिलेटेड हमारे जो भी इन्फॉर्मेशन थी हमने आपके साथ शेयर की। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।